हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी है संडे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं संडे राइड ज़्यादा डालता हूँ। तो अभी आए थे 10:90 पे और काफ़ी बड़ी प्यारा व्यू आ रहा है। तो आज है KTM की सबसे बड़ी राइड लखनऊ की, तो वही हम लोग करने आए हैं। तो अभी हम लोग की KTM से आ रही है और आशु भाई लेके आएंगे। इस बार KTM 2022 एडिशन है, न्यू वाला RC 200, तो उस पर राइड करना है और काफ़ी 40 किलोमीटर की राइड है आज। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का व्यू काफ़ी प्यारा आ रहा है। मतलब इस टाइम 10:90 अभी थोड़ी देर में व्यू हट जाएगा ये वाला, क्योंकि लाइटनिंग वाला है। तो दिखा देते हैं, फिर निकलते हैं सीधा राइट पे, मिलते हैं आपको। तो गाइज अभी हमारे साथ हैं आशु भाई, चाय पी रहे हैं, और ये खड़ी हम लोग की RC 200, जो कि अभी मैं थोड़ा चला के आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी लोगों ने देख ली होगी यार, मतलब मेरे चैनल पे बहुत लेट में आ रही वीडियो, तो थोड़ा चलाते हैं। और उसके बाद ये राइड है बहुत ही लंबी, बालागंज तक का हो रही है, उसके आगे भी होगी। तो पूरी ब्लॉग देखना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। और सबसे बड़ी लखनऊ की ये राइड होने वाली है KTM की, जो लखनऊ से बंदे जाएंगे इतने, और वहाँ पे हम लोग को KTM शोरूम तक चलना है। तो दिखाते हैं आपको बाइक और उसके बाद थोड़ा राउंड लेंगे और वो सब आपको दिखी जाएगा बाइक। तो ये खड़ी है अपनी RC 200, काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, और काफ़ी लोगों ने देख ली होगी। और तो इसको आज राइड करूँगा मैं थोड़ा, उसके बाद फिर चलते हैं और फिर राइड इन्जॉय करिएगा। और काफ़ी बड़ी ये राइड होने वाली है अपनी, तो निकलते हैं। सो गाइस निकल रहे हैं, और अभी तो निकल रहा हूँ मैं यहाँ से छोटा सा राउंड लेने के लिए इसका, फिर उसके बाद जो राइड होगी अपनी वो तो काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया भाई है, और शायद से अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रात है थोड़ा, और इस कारण हमको अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा, अभी जैसे थोड़ा दिन विन होता है। तो काफ़ी बढ़िया भाई, इसका साउंड भी है और काफ़ी बढ़िया भाई, लुक वाइज तो भाई एक नंबर लगती भाई KTM की बाइक है, तो समझ सकते हो। बस इसमें मतलब जो फेस है ना इसका, वो थोड़ा बेकार कर दिया गया KTM के द्वारा, वरना तो भाई KTM की बाइक एक नंबर लगती है, आपको भी पता है हमको भी पता है। तो काफ़ी बढ़िया ये RC 200 है भाई, अगर लेना है किसी तो भाई बाय कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। वैसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ ये न्यू RC KTM, तो इसका भी ये जाम है। और अभी अपना चाय वाय पी ली है, तो न्यू वाली RC है इसलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ, और थोड़ा हाथ इस पर सेट नहीं है भाई ना, तो ये जाम है। तो सीधा चल रहे हैं हम लोग और थोड़ा चलाते हैं इसको, और ज़्यादा लंबी ये वीडियो की तो पार्ट 2 भी ले आएंगे हम लोग, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी बढ़िया भाई, एकदम मीटर एकदम ऐसा रेसिंग वाला ट्रैक जैसे दे देता है, और 390 में जैसा मीटर आता था वैसा अब इसमें 200 में कर दिए हैं, बाकी तो आपको सब पता ही है। और भाई KTM, मैंने एक ब्लॉग में KTM वालों की बुराई कर दी थी कि KTM वाले छपरी होते, भाई छपरी नहीं कहता हूँ उन KTM वालों को, नहीं जो भाई जो हेलमेट वेलमेट नहीं वेयर करेंगे तो भाई उनको छपरी कहेंगे भाई, सीरियसली सी बात है। और वैसे तो भाई KTM बाइक, भाई भाई जो KTM लुक देता है भाई वो कोई बाइक लुक नहीं देती इतना, क्योंकि KTM का लुक भाई एक नंबर है। और संडे तो मैं सोचा क्यों ना संडे राइड पर अपना RC 200 उठाया जाए। तो भाई एक नंबर लग रहा है ये व्यू, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है आज तो इधर 10:90 की तरफ से, एकदम एक नंबर लग रहा भाई। और हर घर में तिरंगा और रोडों पे ये झालर है भाई, एक नंबर लग रही है इंडिपेंडेंट डे के लिए। और ये राइड जो हम लोग कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट के डे के लिए ही कर रहे हैं भाई, 15 अगस्त के लिए, तो समझ रहे हो ना, देश के लिए भाई राइड करना भाई एक मतलब गर्व की। और यहाँ पर देखते हैं कोई पुलिस खड़ी है, तो वहाँ पे अंशु मोटो ब्लॉग, तो बार अंशु मोटो ब्लॉग कहाँ बड़े लोग। जैसे कि देख सकते हो राइड स्टार्ट कर ली है और लाइनअप यहाँ पे हो चुका है, आधी गाड़ी हम लोग को आगे रास्ते में मिलेंगी, और कुछ राइडर्स और आ रहे हैं जो कि मिलते रहेंगे रास्ते में, ज्वाइन करते रहेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से, और अभी हम लोग हैं आलमबाग में, जैसे कि दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से जाना हम लोग को बालागंज तक का, जैसे कि मैंने बताया था। तो देख सकते हो 250, उसके बाद अपनी वाली RC 200 जो अभी चलाई थी हम लोगों ने, उसके बाद 200, फिर 200, फिर 390। और अभी शुभम भाई लोग भी आ रहे हैं, सभी लोग लाइनअप करेंगे आज, बहुत ही बड़ा लाइनअप है। उसके बाद निकलते हैं हम लोग अपना, और काफ़ी ज़्यादा राइडर्स आ चुके हैं सब अपने जानने वाले हैं, तो आने देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। आ गए काफ़ी बढ़िया, फिर से लाइनअप देख सकते हो, अब काफ़ी ज़्यादा बाइकें हो चुकी हैं, और वो भी एक्टिव का आ गई 250, रोशन है शुभम भाई वाली, तो फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये अपने गौरव भाई, और गौरव भाई और अर्शन भाई,
शुभम भाई भी आ चुके हैं। और सर कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस राइड पे गलत सीन हो गया, देख सकते हो। लाइन नहीं लगाने दे रहे पुलिस वाले, रोड रेज कर रहे हैं हम लोग से। यार ये गलत बात है भाई, सिंपल से नॉर्मल लाइन किया गया, एकदम साइड में लगाए जहाँ टेम्पो खड़ा होता है। पटन को तो पगला मरीजा ने छोला, पटन को तो पगला मरीजा ने छोला, आज लगाओ माया पिरिम बोली के होला, आई बोली के होला। भाई जहाँ पे अपना आना था डिस्क्रिप्शन, काफ़ी बढ़िया देख सकते, काफ़ी बढ़िया लाइनअप होगा। और ये अपना KTM का शोरूम, जहाँ से मतलब राइड थी जहाँ की है। अभी यहाँ से भी काफ़ी बाइकें और जुड़ेंगी अच्छी है, तो जैसे कि देख सकते दो आपकी पहले से जुड़ के तीन खड़ी हैं KTM, और आगे वाले आने वाले तो काफ़ी खतरनाक आने वाला। अभी और ज़्यादा लाइनअप होगा आज भयंकर तरीके से यहाँ पे। ये फर्स्ट होल्ड था, अब राइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। खत्म हो गई है टाटा बाबा है। नहीं नहीं अभी नहीं, तो यहाँ पे काफी बढ़िया लाइनअप है जैसे कि। और अभी सुबह भाई लोग साथ में तो चलते हो भाई KTM के शोरूम में, और वहीं पे चलते हो और स्टार्टिंग करते हैं। आपको एक बार लाइनअप दिखा देता हूँ, काफी बढ़िया यहाँ पे ज्यादा लाइन है। अब यहाँ से राइड स्टार्ट कर हम लोग, और राइड ये काफी लंबी जाएगी बहुत ही दूर तक। तो अभी तो बारिश का मौसम है जैसे कि, ये देखते काफी भयंकर तरीके से बारिश हो रही है, तो आपको मैं दिखा। अपनी तो बिल्डोरा निकली है, पीछे भी दो KTM लगी हैं। तो चलते डायरेक्ट अंदर, और बारिश अब तेज हो गई भाई, वो तरीकी ये देख सकते बारिश तो निकल रहे हैं भाई। तो ये रहा, और ये खड़ी है न्यू वाली पल्सर, एंड दोनों काफ़ी बढ़िया है। तो चलते हैं ऊपर डायरेक्ट, खड़ा अपना लाइन अप। और ये अभी हम लोग KTM शोरूम, काफ़ी राइडर्स हो चुके हैं।